रुकावट से हो तंग प्रिय तो कर लो ऐप चेंज प्रिय। देख बिना ब्रेक डाउनलोड तक ऐप। शायद ही कि 50 साल में पहली बार जेएनयू के कैंपस के अंदर ये हुआ कि आरएसएस के गुंडों के भेजकर एबीवीपी के साथ जो आरएसएस अफिलिएटेड प्रोफेसर हमारे कैंपस के अंदर है मिलके एक ऑर्गेनाइज्ड अटैक स्टूडेंट्स के ऊपर करवाए हैं और उसका शिकार हम में से बहुत कई लोग हैं। आप किसी भी तरीके से हमारी हिम्मत को तोड़ नहीं पाए हैं और हम लोग वापस आए हैं। कल जब मैं खुद हॉस्पिटल मेन गेट के तरफ से निकलने जा रही थी एम्बुलेंस में, वहाँ पे एबीवीपी के कुछ एक्टिविस्ट एसएल में पढ़ते हैं, बैचलर्स के स्टूडेंट थे, खुलेआम खड़े थे और मैं एम्बुलेंस से मुझे निकलना पड़ा ये बोलने के लिए मुझे वे आउट दीजिए। मुझे निकलना पड़ा व्हेन आई वाज ब्लीडिंग हेवीली, मुझे जाने नहीं दिया जा रहा था। एंड ही सेड कि जो हुआ है सही हुआ है, ऐसा ही होना चाहिए था। मैंने बोला मैं जा रही हूँ हॉस्पिटल लेकिन मैं वापस आऊंगी और वापस आके ये लड़ाई चलेगी, तब तक स्टूडेंट्स यहाँ के ये लड़ाई चलाएंगे। और मैं ये क्लियरली बोलना चाहती हूँ, आज जेएनयू जो लड़ाई ये लड़ रही है ये आइसोलेशन में नहीं है। मैंने अपने फोन से टेक्स्ट मैसेज और व्हाट्सएप मैसेज एसएचओ को किया था, यहाँ पे जो सब इंस्पेक्टर है उनको किया था, जो एसीपी है उनको किया था। इमीडिएटली इसको बोलते हुए ऑन बिहाफ ऑफ जेएनयूएसयू कि देयर इज अ गैदरिंग ऑफ स्टूडेंट्स हु एंड अननोन सम फेसेस ऑफ द विद इन द कैंपस एट द एड ब्लॉक एरिया हु हैज बीन बीटिंग अप स्टूडेंट्स सिंस द मॉर्निंग एंड दे आर हैविंग वेपन्स लाइक स्टिक्स एंड other weapons, iron rod. The police should immediately intervene and make sure that no such incidents happen and they should ensure the safety. Or, mera personal communication bhi police ke saath hua tha phone pe, uske aadhe ghante ke baad, jab police ne hame ye assurance diya tha ki nahi, madam, sab kuch theek hai, humne in logo ko hatwa diya hai. And it's a deliberate attempt to murder on our lives. So if we are asking for safety from Delhi police, if we are asking for safety from our internal security, is it that wrong? कल जो हुआ है अगर इस वाइस चांसलर के पास इतना भी मॉरल एथिक्स रहता तो अब तक रेजिग्नेशन दे दिया होता, लेकिन अगर उसके पास नहीं है तो ये इंश्योर तो जरूर हम करेंगे कि उसका रिमूवल इमीडिएटली लिया जाए, क्योंकि दिस इज नॉट टॉलरेबल, is not tolerable. An attack on me with the iron rod is an attack on the 8,500 students who have voted me, who have elected me as their representative, and I'm not going to tolerate any such brutal attack that is happening on any student. And the vice chancellor must resign himself, or if he is not resigning, the MHRD must ensure that he is removed from the position of vice chancellorship of Jawaharlal Nehru University.